पर कोविड बोला रहता हूँ, अपने हिसाब से काम करता हूँ, मैं कोई किसी बात की चिंता नहीं करता। और मेरा यह अक्सर समझ ये है कि मेरे को भगवान ने मेरी हैसियत और औकात से ज़्यादा दिया है। तो मैं जो लोग हर समय असमाधीन रहते हैं दुखी रहते हैं, तो मुझे इस बार 2 साल जो कोविड के मिले, मैं 2 महीने तो नागपुर में ही था, बहुत परिस्थितियाँ ख़राब थी, तो उस समय मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करने लगा। तो मेरे घर में फिर स्टूडियो बन गया, फिर मैं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी में भी मेरे भाषण होने लगे। तो मैंने 950 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। अब उस समय धंधा ही नहीं था, खाली बैठा था, तो नई लोगों में तो ये एक काम मिल गया ऐसा मैं समझ रहा था। बाद में यूट्यूब से वो जाने लगा, अब मुझे 3 लाख रुपए मिला, अब मुझे पैसा मिलता है, मैं रोज़ महीने में 5 दिन होने के बाद 5-4 रुपये में कितने पैसे आए वो पैसे मैं चैरिटी में बांट देता हूँ, पर मेरा इनकम शुरू हो गया। तो अभी पहली बार मुझे पता चला कि भाई कुछ बोलने से लोग अगर सुनते हैं तो अपने को पैसा भी मिलता है। तो ये पहली बात है कि लोग अभी उसको बहुत वीडियो को सुनते रहते हैं कहीं भी, और इतना इम्पैक्ट है कि मैं और अपने NHI का अपना मेंबर मनोज कुमार साहब, जानते हैं, बहुत अच्छा अधिकारी है, तो हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पे चल रहे थे, और हाईवे के पीछे में वो गाड़ी थी इनोवा, वो मध्य प्रदेश के सेक्शन में जा रहे थे, तो वो 140 हो गया, 160 हो गया, मतलब और बड़ा 170 हो गया, 180 हो गई। तब वो पीछे में शैलेश करके जो था मेरे साथ, उसने बराबर उसका वीडियो निकाला, और हम रोकने के पहले वो वीडियो उसने भेज दिया होगा। तो हम जब जहाँ रुके, जैसे गाड़ी से उतरे, तो मनोज कुमार के भाई ने अमेरिका से फोन करके उसको पूछा कि तुम 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी में जा रहे थे। तो तब हमारे ध्यान में आया कि ये मीडिया कितनी पावरफुल है, कि अब एक झटके में हम कितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं।